कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से पाप सारे कट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जया एकादशी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से पाप सारे कट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, आज हम आपको इस जया एकादशी व्रत की कथा और उसका महात्म्य सुनाएंगे। ये एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है, पिशाच योनि आदि से भी छुटकारा मिल जाता है। जया एकादशी के दिन भी अन्य एकादशियों की तरह श्री विष्णु भगवान की पूजा का विधान है। पूजा पाठ और आरती के पश्चात जय एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये कथा पद्म पुराण में भी वर्णित है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं जय एकादशी व्रत की ये परम कल्याणकारी कथा। पद्म पुराण में भी इस कथा का भक्तों वर्णन है। युधिष्ठिर को जब कथा सुनाते खुद श्री कृष्ण है। एक दिन जब धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास आए, कहने लगे जया एकादशी की मुझको कथा सुनाए। आप ही करते हैं भगवन सारी सृष्टि का पालन, अंडज जेरज स्वेदज उद्दज किए आपने उत्पन्न। अधीन आपके है भगवत सृष्टि के प्राणी सारे, जगत पिता जगदीश आप है जग के पालनहारे। हम पांडवों को सच्चाई की राह दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से पाप सारे कट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी पावन व्रत कथा सुन करके पुण्य मिलता, बड़ी पावन व्रत कथा सुन करके पुण्य मिलता। भक्त जनों, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगे, हे श्री कृष्ण, आपने सदैव ही हम पांडवों का मार्गदर्शन किया है। मैं जानता हूँ आप ही जगदीश हैं, सृष्टि के समस्त जीव आपके अधीन हैं, आप सब जीवों को उत्पन्न करने वाले और पालन करता भी हैं। आपकी मर्जी के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारा सौभाग्य है कि आप हम पांडवों के सदैव हितैषी रहे हैं। आपने हमें अनेकों ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनाई हैं। कृपा करके जय एकादशी की व्रत कथा और सुनाएं। विनय पूर्वक किया युधिष्ठिर ने जो निवेदन है, एकादशी की कथा सुनाने लगते श्री कृष्ण है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो नाम से बोली जाए, इस व्रत के करने से मानव मोक्ष को पाता है। घोर पाप ब्रह्म हत्या जैसा भी कट जाता है, भूत पिशाच से योनि उसे भी मुक्ति मिल जाए। विधि विधान से जया एकादशी व्रत को जो भी निभाए, समस्त पाप कर्मों से वो मुक्ति पा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
इस व्रत के करने से पाप सारे कट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी व्रत का महात्म्य वर्णन करते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जया एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने में किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मानव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का फल ऐसा कल्याणकारी है कि पिशाच आदि अधम योनि से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। और मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित एकादशी व्रत कथा सुनाता हूँ। जो एकादशी के व्रत का पालन करते हैं उनको यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। स्वर्गलोक में कहते हैं प्रसिद्ध एक था नंदनवन, कोई बड़ा ही उत्सव था नंदनवन में। उस दिन इंद्रदेव का लगा हुआ था वहां पे सिंहा थे, उत्सव में सारे देवता गण नृत्य कर रही थी। उत्सव में कुछ गंधर्व कन्याएं और अनेकों गंधर्व मिलकर मधुर संगीत बजाए, जिनमें पुष्पवती नामक एक गंधर्व कन्या थी और एक गंधर्व कुमार था माल्यावन भी। वही नैनाचार फिर दोनों के हो ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से पाप सारे कट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, एक बार स्वर्गलोक में कोई उत्सव था जिसमें अनेकों ही गंधर्व ऋषि मुनिगण और सभी देवता पधारे हुए थे। नंदन वन में ये उत्सव मनाया जा रहा था, जहां देवराज इंद्र का भी सिंहासन लगा हुआ था। इंद्रदेव और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेकों गंधर्व गंधर्वी गंधर्व कुमार और गंधर्व कन्याएं गायन और नृत्य कर रहे थे, जिनमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती, चित्रसेन एवं उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान एवं उसका पुत्र माल्यवान भी गायन कर रहे थे। चित्रसेन की कन्या पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। वह पुष्पवान का पुत्र माल्यवान भी बहुत सुंदर था। सभी गंधर्व इंद्रदेव व सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गायन वादन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। अचानक पुष्पवती माल्यवान नामक गंधर्व कुमार पर मोहित हो गई और दोनों की नजरें आपस में टकरा गईं, तो पुष्पवती अपने लावण्य से पुष्पवान को मोहित करने लगी। पुष्पवान भी उसकी अदाओं से आकर्षित होने लगा और परस्पर मोहित हो गए तो उनका चित्त भ्रमित हो गया। गया
कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से पाप सारे कट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब पुष्पवती माल्यवन पर मोहित हो गई तो वो इंद्रदेव को रिझाने की जगह माल्यवन को रिझाने लगी। माल्यवन भी उसके सौंदर्य को निहारने लगा, जिससे दोनों का ध्यान गायन वादन से भटक गया। इंद्रदेवता ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी ही सभा में मेरा अपमान किया है। गंधर्वों का काम गायन और वादन से देवताओं को रिझाना है, जिसमें तुम भटक गए और एक दूसरे को रिझाने में लग गए। जाओ, तुम्हें मृत्यु लोक जाकर पिशाच रूप धारण करना होगा और अपने कर्मों का फल भोगना होगा। इंद्रदेव के श्राप के कारण माल्यवन और पुष्पवती पिशाच योनि को प्राप्त हो गए। उन्हें अपनी भूल पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। के योनि में चले आए, अपनी भूल पर उनको बड़ा ही पश्चाताप हुआ। पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन व्यतीत किया, गंध रस और स्पर्श आदि का भी नहीं रहा है ज्ञान। आके हिमालय पर्वत पर दुख भोगने लगे महान, शीत लहर चले पर्वत पर उनको सताती है, बजने लगे दांत निद्रा भी उन्हें नाती है। ऐसे दुख जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से पाप सारे कट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, श्री कृष्ण आगे युधिष्ठिर को बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुष्पवती और माल्यवन को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। जब इंद्रदेव ने उन्हें पिशाचोनी में गिरने का श्राप दे दिया, तो वो दोनों ही पिशाचोनी में आकर हिमालय पर्वत पर अति दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे, जहाँ अत्यंत ही शीत का मौसम चल रहा था। मारे ठंड के उनके दांत किटकिटाने लगे। एक दिन माल्यवन पुष्पवती से कहने लगा, हे प्रिय, हमारी एक भूल के कारण न जाने कितने वर्षों तक इस पिशाचोनी में रहना पड़ेगा। इससे अच्छा तो नरक के दुख भोगना ही था। यहाँ न भर पेट खाने को पर्याप्त भोजन मिलता है, न शीत से बचने का कुछ उपाय है। कभी कभार कुछ रूखे सूखे पत्ते मिल पाते हैं। न जाने कब तक हमें इस अधम योनि में रहना पड़ेगा। पूर्वक जीवन वो अपना बिता रहे हैं, रह रह कर जो भूल हुई थी बड़ा पछता रहे हैं। खाने को पर्याप्त कभी नहीं मिलता है भोजन, मिल जाते कभी उन्हें फल फूल मूल और कंद। एक दिन वो दोनों संयोग से कुछ नहीं खाते हैं, पीपल के नीचे आ जा।
कट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से पाप सारे कट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक दिन संयोग से उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। भूख और शीत के मारे उन्हें रात भर नींद भी नहीं आई। देव योग से वो जया एकादशी का दिन था। भूखे रहने से उनको व्रत का फल प्राप्त हुआ और रात को नहीं सोने के कारण उन्हें जागरण का फल भी प्राप्त हो गया, जिसके कारण उनके सभी पाप कट गए और श्री हरि विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। फिर से गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। जया एकादशी व्रत करने का उन्हें मिला है फल। माला वन और पुष्पवती के संकट गए हैं टल। माला वन तो फिर से बन गया है गंधर्व कुमार। पुष्पवती ने भी अप्सरा का रूप लिया है धार। स्वर्गलोक की ओर उन्होंने फिर प्रस्थान किया। इंद्रदेव के चरणों में आकर के प्रणाम किया। इंद्रदेव ने जब दोनों को स्वर्ग में फिर से देखा, पिशाच योनि से कैसे छूटे उन दोनों से पूछा। जया एकादशी व्रत का फल है, दोनों बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से पाप सारे कट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनो, श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, अनजाने में ही माल्यवन और पुष्पवती से जया एकादशी व्रत और जागरण हो गया था, जिसके कारण श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें पिशाच योनि से छुटकारा दिला दिया एवं दोनों को स्वर्ग लोक में भी स्थान दिया। इंद्रदेव ने जब दोनों को स्वर्ग में देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुम्हें किस प्रकार पिशाच योनि से छुटकारा मिला और फिर से स्वर्ग में स्थान मिला। तो उन्होंने इंद्रदेव को सारा हाल बता दिया। जया एकादशी व्रत का फल कुछ ऐसा है युधिष्ठिर। बड़े बड़े पापी जो इस व्रत को लेते हैं कल, महापाप से भी उनको मिल जाती है मुक्ति। एकादशी व्रत में होती है इतनी शक्ति। माँ
भक्तजनों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी व्रत की परम कल्याणकारी कथा सुनाई और व्रत करने का महात्म्य भी बताया कि किस प्रकार अनजाने में भी पुष्पवती और माल्यवन द्वारा व्रत करने से उन्हें इंद्रदेव द्वारा दिए गए श्राप से भी मुक्ति मिल गई और दोनों को स्वर्ग में स्थान मिला। श्री कृष्ण के श्री मुख से कथा सुनने के पश्चात युधिष्ठिर ने उनका आभार प्रकट किया और कहा, हे श्री कृष्ण, आने वाली जया एकादशी को भी मैं पूरे विधि विधान से एकादशी व्रत करूंगा और इस कथा को भी अवश्य श्रवण करूंगा। श्री कृष्ण ने जया एकादशी की जो कथा सुनाई पद्म पुराण में वर्णन मिलता है भक्तों इसका ही। एकादशी का व्रत करके श्री हरि कृपा को पाइए और व्रत करने वालों को कथा ये सुननी चाहिए। एकादशी का व्रत जो श्रद्धा भाव से करते हैं हरि कृपा से वो भव सागर पार उतरते हैं। सुनता सभी कथाएं अक्सर हंस राज रिलहन फौज सुरेश भी हर चरणों में करता सदा वंदन। यही सृष्टि के पालन करता माने जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से पाप सारे कट जाते हैं